Welcome to Live Wire Transmission. I am your host, Tariq Khan Javed. Now it's time to discuss petroleum issues. नाज़रीन, कल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड की, जिसमें सर जोड़ के बैठा गया और ये पता करने के लिए कि हमारी जो कमी है बिजली गैस और कि उसकी कैसे ख़त्म किया जाए, एनर्जी की जो गैप है उसको कैसे फिल किया जाए, तो उस पर डिस्कशन यह हुई कि यूएस एड ने रेकमेंड किया है कि पाकिस्तान अपनी शेल गैस की जो पोटेंशियल है उसको चेक करे विद द हेल्प ऑफ सम पायलट प्रोजेक्ट्स। ऑफ कोर्स शेल गैस जो है एक्चुअली वो ट्रैप गैस को कहते हैं जो पहाड़ों के बीच में होता है, उसका निकालना इतना आसान नहीं होता, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। और मगर जो PPL और OGDC दोनों कंपनियों ने कहा है कि जी ये बहुत बड़ा बहुत महंगा काम है, ये हम नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट उनको अर्ज कर रही कि आप ये करें, लेकिन वो करने से अपने आप को भाग रहे हैं। इन द मीन टाइम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि और कोई अब सूरत नहीं है, फ़िलहाल LNG से ही हमारा जो नीड पूरी होगी। और उन्होंने कहा कि गैस लोड शेडिंग जो है अब पुरानी बात हो गई और बहुत जल्द बिजली की भी लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ ये जो CNG की बंदिश है वो भी ख़त्म होगी, तो हम उस तरफ उस दौर को देखने के लिए तैयार हैं। जैसे ये एनर्जी की शॉर्टेज ख़त्म होगी तो हम देखेंगे कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे 1-2% का मज़ीद इजाफा होगा। ऑलरेडी 5.7% की ग्रोथ वर्ल्ड बैंक हमें एवरेज बता रही है अगले कुछ सालों के लिए। अगर ये एनर्जी के ख़त्म होने से उसमें मुमकिन है कि हम 6.5-12 तक पहुँच जाएँ, 7 पे भी शायद पहुँच जाएँ, तो एक अच्छा दौर आ रहा है पाकिस्तान के लिए ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। मायूसी की जो लोग बातें करते हैं वो गलत करते हैं। इस सिलसिले में बात करेंगे हम अब्दुल समी खान साहब से, जो कि चेयरमैन हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के और बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं इस फील्ड की। समी साहब, खान साहब, आर यू विद अस? हेलो जी। हेलो खान साहब, वेलकम टू द शो। सर, कैसी तबीयत आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। यो प्राइम मिनिस्टर ने कल एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की है गैस इंडस्ट्री के बारे में, उसके आपको तो जाहिर खबर होगी। उसमें ये कहा जा रहा है कि शेल गैस निकालना है बड़ा महंगा पड़ेगा, वो कोई ना वो PPL तैयार है ना वो OGDC तैयार है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फ़िलहाल तो ये जो लिक्विफाइड गैस है जो हम मंगा रहे हैं यही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा टू फिल इन द गैप ऑफ CNG एज वेल एज गैस। आप ओवरऑल सिचुएशन को कैसे इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये LNG जो मंगा रहे हैं सब पूरा पंजाब को दे दें, ठीक है। सिंध में तो हमारे वहाँ गैस निकल रही है, हम पे बार क्यों डाल रहे हैं? और अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो है उसमें मिक्स करके दे रही है, हमारी प्राइस बढ़ गई है। हमने 12 कहा, ये तो कहते हैं बस अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, तो हमारी मजबूरन हम CNG की प्राइस बढ़ानी पड़ती है। अब इन्होंने बढ़ा दी डीजल की प्राइस 5 रुपये कुछ पैसे, अब हम जब जनरेटर चलाते हैं वो हमारे लिए महंगा पड़ गया। तो और मुझे तो आइंदा भी बड़ा खतरा है कि ये प्राइस बढ़ाएंगे। अच्छा साहब, ये आपकी जो सजेशन है कि जो इम्पोर्टेड LNG आ रहा है उसको सीधे सीधे पंजाब भेज दो और सिंध तो खुद कफील है, तो अगर वो आपको सिंध वाला गैस मिलेगा तो वो आपको सस्ता मिलेगा और आप ये मिक्सचर नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं चाहते कि देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भाई जहाँ गैस या और भी मिनरल मिल रही है पहले तो उसका हक है, तो हमारा हक तो पूरा दे दें। हम अगर हम जायद ज़रूरत उनको है, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए फिर उनको दें। अभी तो ये खुद भी सिंध को भी बहुत कम मिल रही है। इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट की रूलिंग भी है जना मौजूद। और आप क्योंकि देखिए पहले तो ये था ना कि भाई कौमी मसला है, ऐसा कैसे होगा कि सिंध को सब मिल जाए और पंजाब को ना मिले, लेकिन अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई और पाइपलाइन भी एक तैयार ही होने वाला है, दूसरा भी शायद लग रहा है,
तो आपकी सजेशन ये है कि इन पाइपलाइन के ज़रिए नॉर्दर्न एरियाज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो एलएनजी मीट कर ले, और आप लोगों को सुई गैस जिसको अभी तक हम कहते हैं, हालांकि अब वो ज़्यादा सिंध गैस है, नेचुरल गैस हमें दे, सिंध गैस हो गया जी, अब तो सिंध गैस सुई तो ख़त्म हो रहा है, तो हमारे इलाकों में जो निकल रहा है बदीन वगैरह में, तो वो आप लोगों को मिल जाए तो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा, वो सस्ता पड़ेगा हमें, और लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी, लोड शेडिंग ख़त्म होगी। और देखिए बात ये है, हमें तो बहुत सी चीज़ें महंगी मिल रही हैं, तो यहाँ तो हमें कम से कम फ़ायदा मिल जाए, और हम इल्लीगल बात नहीं कर रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नवाज शरीफ बेदरदारी सब ने मिल के तय किया था उससे क्यों हट रहे हैं। जी जी, तो आपको आइंदा कुछ दिनों में महीनों में ये गैस की अवेलेबिलिटी आपको इतनी लग रही कि हो जाएगी कि गैस की लोड शेडिंग ख़त्म और साथ साथ सीएनजी की लोड शेडिंग ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं। तो अभी देखिए ना, एलएनजी का एक और वो लग रहा है, पोर्ट लग रहा है, पाइप बिछ रही हैं, ज़्यादा ज़्यादा एलएनजी आएगा तो जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा साहब। नहीं, मुझे मैं मेरा जो तजर्बा है कि ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सिंध की बात कर रहा हूँ, आज तक सीएनजी भी इंडस्ट्री भी बंद रहती है, एक दिन वो तीन दिन ये, और बहुत से एरिया में लोड शेडिंग हो रही है। तो जब पंजाब में इन्होंने लोड शेडिंग कम की है तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा साहब, एक और बात पूछूंगा, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी जो टोटल गैस की डिमांड और सप्लाई में तकरीबन 50% का गैप था पहले, तो सर्दियों में इंडस्ट्रीज से कहा जाता था कि आप गैस इस्तेमाल ना करें और अब किसी और सोर्स से अपने नीड को पूरा करें, तो क्या इस साल कुछ डिफरेंट होगा या नहीं होगा? देखिए, इस साल जब ये बातें करते हैं एलएनजी की, तो फिर तो इनको नहीं करना चाहिए। देखिए, एलएनजी ये बयाना तो ये देते हैं कि कोई इस साल लोड शेडिंग नहीं होगी। देखिए, उन्होंने कल तो खुल के कहा कि जी ही सेड गैस, ये प्राइम मिनिस्टर के वर्ड है जनाब जी, कि ही सेड गैस लोड शेडिंग वाज नाउ ए मैटर ऑफ द पास्ट, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग विल आल्सो कम टू ए एंड टू एन एंड शॉर्टली, ये पीएम कह रहा है। हाँ, ऐसा नहीं, तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, ये मैं इसको नहीं मानता। इलेक्ट्रिसिटी का तो हम देख रहे हैं साहब के बहुत सारे प्लांट बहुत तेज़ी से कंप्लीशन के तब आ रहे हैं, तो उससे तो साहब ये तो आ रहे हैं, हमें सबसे महंगी के ये सी दे रही है पाकिस्तान में, हमसे ज़्यादा महंगी तो कोई बिजली मिल नहीं रही, प्लांट आ जाए कुछ भी आ जाए हमें तो कोई रिलीफ नहीं है, और वो भी उसके बावजूद लोड शेडिंग है। तो क्या ये जो कराची इलेक्ट्रिक हमें दे रहा है क्या 12-13 रुपए का, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्या रेट चल रहा है? हमारा उनका कोई 3-4 रुपए का फ़र्क है, 3-4 रुपए महंगा मिल रहा है हमें महंगा, हालांकि पोर्ट हमारे पास है, एलएनजी हमारे पास आ रहा है, कोयला भी हमारे पास ही पहले पहुंचता है, तो ये तो बड़ी ज्यादती है साहब, ज्यादती तो है, और सबसे ज़्यादा गैस भी हमारे पास है, सबसे ज़्यादा गैस भी है, और अगर ये चाहें तो और भी गैस निकल सकती है। अच्छा, या काम हो रहा है साहब इसमें? काम हो रहा, वो जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और रिसेंटली तो हमने सुना कि पीपीएल और मरी को अच्छी डिस्कवरी हुई, ये नहीं पता कि कहाँ हुई, लेकिन ये तो वो पकौड़ी शकौड़ी क्या क्या नाम बताते हैं, हमें नाम से तो पता नहीं चलता कि कहाँ। बात ये है, इनको मराद दादा मिलती है कंपनियों को, जहाँ वो है तो उनका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ ताज्जुब नहीं है, मगर हमें तो जब पता चले कि जब ये सिंध में और जगह लोड शेडिंग ख़त्म हो, वो है हमारा बैरोमीटर। अब सर्दियाँ आ रही हैं, अल्लाह जानता है कि क्या होगा, सर्दियों में तो कहते हैं कि गैस में वो प्रेशर ही नहीं रहता इसलिए वो कम हो जाता है। क्योंकि बलूचिस्तान वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इंटीरियर सिंध में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो वो तो जाहिर है, वो प्रेशर कैसे होगा।
अच्छा साहब, एक सजेशन बीच में चली कि सुई नॉर्दर्न सुई साउदर्न दोनों को तोड़ दिया जाए, उसके बजाय बहुत सारी गैस कंपनियां बन जाए, मिसाल के तौर पर कराची गैस बन जाए इंस्टेड ऑफ सिंध वो, तो अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे कोई फ़ायदा हो सकता है? देखिए मैं कहता हूँ, कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का ओगरा का, जब तक वो वाजे नहीं करें कि उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और उन पर पाबंदी रखें ये प्राइस आप रखेंगे ये, मगर उनका कंट्रोल है वो, तो उनको ये मजबूर है उस पर चलना पड़ रहा है। ये क्यों इतने कंट्रोल्स हैं, क्यों नहीं कराची को आप छोड़ दें अपने हाल पे कि जी वो कहीं से भी एलएनजी सस्ता मंगाए, उसको लिक्विफाई करे, वो करे, गैस पे कन्वर्ट करे, और कराची गैस नाम की कंपनी सस्ते से सस्ते गैस पूरे इलाके में दे दे सीएनजी को भी और घरों को भी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी कोताही है। देखिए क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बीच में इंटरफेयर करेगा, कराची वाले कहीं से भी गैस लाएं और यहाँ पे प्रोड्यूस करें, तो ये आगे बढ़े ना, हम उनके साथ हैं कि भाई हम भी सिंध का अपना एक हो अलग, या तो सिंध के नाम पे बनाया जाए सिंध गैस, और वो अब अपनी एलएनजी टर्मिनल बना लें, हाँ, और ये सप्लाई करें। भाई अब कहीं से भी हम सस्ता लेकर आए महंगा लाए, हमारी भी मर्जी है, कॉस्ट प्लस को हम बेचे। बिल्कुल, तो साहब आप तो बड़े लीडर हैं, आपको तो हम अभी तो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रही है ऑयल की, अभी तो मुझे एलएनजी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ ये भी एक नई बात आ गई साहब, पहले तो हम नीचे की सोचते थे, अब ऊपर की सोचनी पड़ेगी। सभी साहब आप तो हमारे पुराने लीडर हैं हमारे इलाके के, तो आप तो ये बातें पहुंचा सकते हैं ऊपर तक ना, पहुंचाएं लोगों को कि भाई ये डीरेगुलेट करो, छोड़ दो ओगरा को, खत्म ही कर दो ओगरा की क्या जरूरत है। इन्होंने मेरे कहने पे डीजल डीरेगुलेट किया है। जी जी, अच्छा पेट्रोल की प्राइस में भी 19 पैसे इन्होंने हमारा कमीशन बढ़ाया। वैसे प्राइम मिनिस्टर समझते हैं और सुनते हैं, ये इन पहले के मुकाबले में इनमें ये फर्क है, तो काम तो कर रहे हैं, मगर जो इनके एडवाइजर हैं वो मान नहीं क्या इनको प्राइम मिनिस्टर को चेंबर फेडरेशन बिजनेसमैन से बराबर मिलना चाहिए और उनके ख्यालात। देखिए ये माशाल्लाह खुद भी एयरलाइन चलाते रहे, मुश्किलात का सबका इनको भी अंदाज़ा है, रिलेटिवली यंग आदमी है, जेट वेट चला लेते हैं तो ज़ाहिर है फिट भी है, तो इंशाल्लाह इनसे आपकी ज़्यादा अच्छी बातचीत चलेगी, और इनको यही मशवरा दें कि भाई ये ओगरा ओगरा ख़त्म कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही मार्केट जो है प्राइजेज वगैरह डिटरमाइन करेगी, ना ओगरा की ज़रूरत ना नेपरा की ज़रूरत है, लोग खुद ही बिजली बनाए बेचे, अपने अपने हाल पर छोड़ दो सबको, जैसे और चीज़ें चल रही हैं खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी समीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, समीर साहब को पुराना जानता हूँ, हमारे इलाके से इलेक्शन लड़े थे तो इनको लीडर के तौर पे ही जानता हूँ, और इनकी बातें सुनी जाती हैं और बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं। मेरी सजेशन 2009 से जब से मैं आया, मैंने कहा भाई ये क्यों कराची इलेक्ट्रिक बना के बैठे हो, 2 करोड़ पे कोई दुनिया में आज़ादारी दी जाती है जो आपने दी हुई है, ये कंपनी कभी चल ही नहीं सकती, आज तक नहीं चल रही है, 6 रुपये का शेयर है इसका। इसी तरह आप कराची इलेक्ट्रिक को ख़त्म करें, लेट तारिक खान प्रोड्यूस बिजली इन अरेलाल एरिया, लेट समीर साहब प्रोड्यूस समवेयर एल्स एंड सेल इट एट द कॉस्ट प्लस प्राइस। 4 रुपये का तो बहुत आसानी से 16 एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है आजकल के दौर में, तो आपको मैं 6 रुपये में बिजली देता हूँ, समीर साहब भी देंगे, क्यों ये 12.5-13 का हम बिजली कराची इलेक्ट्रिक का खरीदे नहीं खरीदते? ख़त्म करो कराची इलेक्ट्रिक को, ख़त्म करो नेपरा को, ख़त्म करो ओगरा को, तोड़ दो ये सुई गैस की कंपनियों को 3, 4, 5, 6, 7 में, फिर देखिए कैसे मामला सही हो जाएंगे। इसी के साथ इस सेक्शन से जाना चाहता हूँ।